आप जितने भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी बार आपका पतंग कट गया है, फट भी गया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप बाण तीर इमेजिनरी लगाते नज़र आ रहे हैं, वो वीडियो जो है मस्जिद की तरफ बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? ये लोग से नहीं हो रहा, हिंदू मुस्लिम ये एकता में जो हम लेके आ रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, इससे सब पर पट रहा इनका ऐसा। हमारे लिए मंदिर कितना मुख्य है, हमारे लिए मस्जिद भी इतना ही मुख्य है। ये लोगों को क्या आता साफ करने के लिए, एक गलत वीडियो निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं सही वीडियो दिखा दिया आपको, गलत वीडियो निकालते हैं और क्या करते हैं, नौजवानों को भड़काते हैं। हमारे साथ हैदराबाद से उम्मीदवार, बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता मैडम जुड़ी हैं। मैडम, काफ़ी जोरों शोरों से आपका कैंपेन चल रहा है, कब करेंगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल भर्ती चुनाव आयोग में बी फॉर्म लेकर आप कब जाएंगी नॉमिनेशन फाइल करने? 24 तारीख को भाग्यलक्ष्मी मंदिर से हम प्रारंभ होकर निकलेंगे, खैरताबाद कलेक्टर ऑफिस में डालेंगे। क्या स्पेशल होगा मैडम उस दिन, कौन आपको अकंपनी करेंगे, कौन से लीडर्स होंगे आपके साथ? लीडर्स का नाम अभी आने वाला है हमको, उसके अलावा स्पेशल क्या है आप देखेंगे, पूरे भारत देश हमारा साथ रहेगा उस दिन। जिसने प्रकार के संस्कृति भाषाएं हैं, जितने राज्यों से लोग इस हैदराबाद पार्लियामेंट में रहते हैं, निवास है, वो सारे लोग हमारे साथ दिखेंगे उस दिन आपको, और एक छोटा सा नन्ना सा भारत देश हम आपको दिखा देंगे। आपके उम्मीदवारों को क्या कहेंगे मैडम इस मोड पर, जहाँ पर कैंपेन जोरों शोरों से चल रहा है, उसको उस पर क्या कहेंगे? आप कितना भी हमारे ऊपर गलत बातें के बातों को आप देन सिखाना चाह रहे हैं, और आप जितने भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी बार आपका पतंग कट गया है, फट भी गया है। इल्ज़ाम की बात कर रहे हैं मैडम, ये इल्ज़ाम उसी वाक्ये को लेकर है जो कल हुआ था, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप बाण तीर इमेजिनरी लगाते नज़र आ रहे हैं, वो वीडियो जो है मस्जिद की तरफ बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? आपको हम बात नहीं करेंगे, दिखाकर दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये असली वीडियो है, ये देखिए, हम धनुष उठाए, तीर मारे, अब बताइए आप, ये अंत हुआ कुछ और, अनजान बिल्डिंग के ऊपर। अब इसका देख के कैसा बदल दिए ये लोग, इससे पता चल रहा है ऐसे कितने गलत फहमियाँ ये लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। ये लोग से नहीं हो रहा, हिंदू मुस्लिम ये एकता में जो हम लेके आ रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, इससे सब पर पट रहा इनका ऐसा। और अभी मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे आप। सबका साथ सबका विकास शुरू हो गया है और देश आगे जाने वाला है। मैडम, हैदराबाद के यूथ से अपील किए हैं ओवैसी साहब इसी वीडियो को रिएक्ट करते हुए कि ये जो है यूथ को डिस्टर्ब करने, पीस डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं, लोग देखें और उसके हिसाब से अपना मतदान करें या वोट का इस्तेमाल करें, इस पर क्या जवाब देंगे? अरे आपको मैंने दिखा ही दिया है असली वीडियो कौन सा है, या मस्जिद ही नहीं आया ऊपर से, वो मस्जिद के ऊपर एक सफ़ेद पर्दा था। साहब हम भी मानते हैं हमारे लिए मंदिर कितना मुख्य है, हमारे लिए मस्जिद भी इतना ही मुख्य है। कितना अहमियत मंदिर रखता है, उतना ही अहमियत मस्जिद रखता है, क्योंकि मंदिर में चाहे या मस्जिद में एक ही सिखाया जाता है, शांति को कायम कर रखने के लिए, पसमंदों के लिए काम करने के लिए। ये तो MIM जैसे लोग हैं ना, जो किराए के घर से निकल कर पसमंदों के खून से अमीर बन जाते हैं, 7 एकड़ों में शानो शान महल बनाकर। ये लोगों को क्या आता साफ करने के लिए, एक गलत वीडियो निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं सही वीडियो दिखा दिया आपको, गलत वीडियो निकालते हैं और क्या करते हैं, नौजवानों को भड़काते हैं। ख़त्म हो गया ना इनका काम, ये बैठे महलों में, पत्थर इन लोगों को आके नहीं मारता। वो बेचारा नौजवान मुसलमान जो ये वीडियो देख कर भड़क जाता है, रोड पर निकलता है, दो लोगों को मारता है या दो मार खाता है, तो उसके माँ को पता है वो दर्द कैसा रहता है। तो ये भड़काने का काम पतंग कर रही है या MIM कर रही है, ये बात कर रहे हैं हम, ये पूरी साजिश है आप बता रही है। हाँ तो फिर उन्हें खुद भाषण दिए ना, अरे नौजवान मुसलमानों देखो क्या हो रहा है, सच को छुपाकर हमारे ऊपर झूठ दिखाकर आप
गलत वीडियो बनाकर आप दिखा रहे हो, क्या कहना चाहते हो? अरे ऊपर वाला वो राम है, रहीम है, हमारे पास एक सही वीडियो रखा, देखे कुदरत का ऐसा है हमारे ऊपर आशीर्वाद कि ये जितने गलत काम करने निकलेंगे ना, उतने ही उसके नीचे का जमीन खींच लेंगे हम। मैडम, काफ़ी जोरों शोरों से आपका प्रचार चल रहा है, कल भी भारी जो यात्रा आपने निकाली थी, क्या कहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने ही उम्मीदवारों को, अपने लोगों को, जहां पर आप अभी प्रचार कर रही हैं? साहब, हमने हजरत अली जी का जुलूस में भी गए थे रमज़ान में, और हम श्री राम नवमी पे हम रामचंद्र जी के जयत्र यात्रा में भी गए। हम यही कहना चाहते हैं, हम हनुमान जयंती में भी जाएंगे, यही कहना चाह रहे हम जो हमारे मोदी भाई मानते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम गलत ना पहले बोले, ना आज बोलेंगे, ना कल बोलने वाले हैं। हम पसमंदों के लिए ठहरेंगे, अपने गरीब भाई बहनों के लिए ठहरेंगे और उनको तरक्की लाएंगे। हम अपने SC ST भाई बहनों के लिए ठहरेंगे, महिला के लिए ठहरेंगे, नव युवक के लिए ठहरेंगे। ये बात लिख लीजिए आप इतिहास में, कभी नहीं बदलेगा। धन्यवाद मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी से हैदराबाद के उम्मीदवार माधव विलाता, कृष्णा के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।